हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम सीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया इज़ यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा बैक्टीरिया का यूज़ होता है? निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया का यूज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एस्केरिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा बोथ बी एंड सी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ है ना, दो बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, एक तो एस्चीरिया और एक करते हैं हम एग्रोबैक्टीरियम का। ये वाला क्वेश्चन है ना एचएससी के अंदर भी पूछा गया है और ये वाला क्वेश्चन नीट के अंदर भी पूछा गया। देख लो भाई, आप नीट में आया है ये, नीट में देखो, ये नीट के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है और यही क्वेश्चन एचएससी के अंदर भी पूछा गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोन डेफिशिएंसी अफेक्ट, बोरोन की कमी के प्रभाव, मतलब बोरोन की जब कमी हो जाती है पौधे में तो उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है वाटर अब्जॉर्प्शन, ऑप्शन नंबर बी है पोलन जर्मिनेशन, ऑप्शन नंबर सी है रूट एनलोंगेशन, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। बोरोन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, रूट एनलोंगेशन हो जाता है, पोलन जर्मिनेशन होता है और वाटर अब्जॉर्प्शन की भी दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल ऑफ C4 प्लांट। C4 जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनके एग्जांपल क्या है? ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आपको C4 C3 के एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि उनके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा रेडिश, ऑप्शन नंबर बी है हमारा पी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पोटैटो, ऑप्शन नंबर डी है हमारा मेज़। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेज़, मतलब मक्का। मक्का का जो एग्जांपल है ना, ये C4 प्लांट्स का एग्जांपल है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। निम्नलिखित में से किस में अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार फल देता है, या मतलब कि फ्लावर देता है, फूल देता है, ऐसा कौन सा पौधा है जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फल या फूल देता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा मैंगो, ऑप्शन नंबर बी है हमारा जैकफ्रूट, ऑप्शन नंबर सी है हमारा बैम्बो स्पीसीज, ऑप्शन नंबर डी है हमारा पपाया। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी ना एचएससी के अंदर पूछा गया है, ये 2 से 3 बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैम्बो स्पीसीज। बैम्बो स्पीसीज मतलब बांस का जो पौधा होता है ना, बांस का प्लांट होता है, वो अपनी पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फल या फूल देता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आपको ये तो पता है कि जो भी हम मतलब वर्ल्ड ओजोन डे, ऐसे कोई सेलिब्रेटेड डेज होते हैं, जैसे एड्स डे हो गया, ऐसे काफ़ी हो गए, मलेरिया डे, मतलब बहुत सारे ऐसे जो है हमारे नेशनल लेवल पे, जो वर्ल्ड लेवल पे हमारे बनाए जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ये वाले तो पता ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 21 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सेप्टेम्बर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 5 जून, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 22 अप्रैल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सेप्टेम्बर। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सेप्टेम्बर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार जो भी हमारी वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर्स भी है और
बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आने वाले हैं, मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर द सेट ऑफ हॉर्मोन्स दैट द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेट हार्मोन का जो हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा थायरोक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एंटी डायरोटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा टेस्टोस्टेरोन एंड ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एंटी डायरोटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। एंटी डायरोटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन को कौन उत्पादित करता है, हाइपोथैलेमस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइपोथैलेमस फॉर्म ए पार्ट ऑफ, हाइपोथैलेमस का एक भाग है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा फ्यूचर ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा हिंड ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा फोर ब्रेन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा मिड ब्रेन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। हाइपोथैलेमस का पार्ट कौन सा है, फोर ब्रेन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कुल कितने, मतलब कितने टाइप के दांत मिलते हैं, कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में ना हर स्टूडेंट कंफ्यूज होगा, मतलब वो सीधा ये क्वेश्चन पढ़ेगा कि टीथ प्रेजेंट, ये नहीं देखेगा क्या पूछा गया, मतलब इसने पूछा कितने टाइप के, कितने टाइप्स के पूछा गया है यहाँ पे। तो मानव शरीर में चार प्रकार के दांत मौजूद होते हैं, फर्स्ट सुनिए, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार। कितने टाइप के होते हैं, फोर टाइप के होते। टोटल कितने हैं, 32। कितने प्रकार के होते हैं, चार। फर्स्ट क्या होता है, इंसिजर्स, सेकंड है हमारा कैनाइन, थर्ड है हमारा प्रीमोलार और फोर्थ है हमारा मोलार्स। ठीक है, मानव शरीर में चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और डेंटल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 21 23 21 23, ये है हमारा डेंटल फॉर्मूला। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन नंबर क्या है, ए 32, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 7। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 4। कितने टाइप के दांत पाए जाते हैं, चार प्रकार के। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेम्परेरी टीथ इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कितने अस्थाई दांत पाए जाते हैं, मतलब कितने टेम्परेरी दांत पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 32, ऑप्शन नंबर बी है 16, ऑप्शन नंबर सी है 18, ऑप्शन नंबर डी है 20। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 20। टेम्परेरी दांत कितने होते हैं, 20। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर ऑफ आई डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन। आँख का कलर किस वर्णक पर निर्भर करता है, किस कौन से वर्णक पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी है हमारा इरिस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा प्यूपिल, ऑप्शन नंबर डी है हमारा रेटिना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इरिस। कलर ऑफ आई डिपेंड अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन इरिस। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज़ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, ये वाले क्वेश्चन सीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।